जब घर में कोई भी हरी सब्जी ना हो और समझ में ना आए कि क्या बनाना है तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। साबुत मूंग से बनने वाली ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है और आप जब इसे बनाएंगे तो सभी आपके तारीफ़ करेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप मूंग ली थी जिसे मैंने लगभग 4 से 5 घंटे के लिए सोक कर लिया था और यहाँ पे मूंग बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। आपके पास अगर ये मूंग ना हो तो आप नॉर्मल जो बिना छिलके वाली मूंग होती है उससे भी आप बना सकते हैं मूंग की दाल से। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और 1 से 1.5 इंच अदरक को मैंने छील के इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिए हैं और इसमें हम डालेंगे लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी और इसका हम बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मूंग को मैंने इस तरह से बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट तैयार किया है। इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अगर आपको लगे ये गीला ज़्यादा हो गया तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन भी ऐड कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर और आधी छोटी चम्मच में गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और बहुत ही अच्छे से हम इसे 1 से 2 मिनट इस तरह से फेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो गई है। इसी तरह का दाल हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। इसमें से हम 2 चम्मच के करीब दाल को साइड कर लेंगे और यहाँ पे मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी है, इसमें हम 2 बड़ा चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च को मैं इस तरह से तोड़ के डाल दूँगी। इसे हम थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। तो ये थोड़ा सा भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को आप इस तरह से डालेंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और या तो फिर आप यहाँ पे पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे भून लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। और जैसे ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है। और प्याज को हमें यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। गैस का फ्लेम लो और मीडियम पे रखेंगे और थोड़ा सा इसे भून लेते हैं। प्याज हमारा यहाँ पे थोड़ा सा भून चुका है, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 1 बड़ा साइज़ का टमाटर मैंने लिया था जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और आधी छोटी चम्मच हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद देखिए टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने जो दाल का पेस्ट निकाल के रखा था उसे हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे भी हम लगभग 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे भून लेंगे जब तक कि तेल फिर से सेपरेट ना हो जाए और दाल का जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 2 से 3 मिनट मैंने इसे भून लिया है और बहुत ही अच्छे से ये भून चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। मैं यहाँ पे लगभग 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड करूँगी और इसे हम मिक्स करते जाएंगे इस तरह से ताकि दाल जो है वो बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पहले डाला था, आधा ग्लास हम और डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर इस तरह का एक नेट रखूँगी और इसके ऊपर जो हमने दाल को पीस के रखा है उसके हम छोटे छोटे से इस तरह से बड़ी बना के इसके ऊपर डाल देंगे। ये प्रोसेस आप अलग से भी कर सकते हैं, बट इस तरह से करने से आपकी गैस की भी बचत होगी और दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे इस तरह से बड़ी जैसा हम इसमें डाल देंगे और इसे पकने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम इसे कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पर ही इसे पकने देंगे। जब तक बढ़िया पकेगी तब तक हमारा जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो फ्रेंड्स लगभग 7 से 8 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं और यहाँ पे देखिए हमारी जो बढ़िया है बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुकी है। आप अलग से भी इसे स्टीम कर सकते हैं, बट ये देखिए बहुत ही आसानी से इस तरह से स्टीम हो जाता है। तो ये नेट हम ऊपर से हटा लेते हैं और ग्रेवी हमारे यहाँ पर काफ़ी थिक हो गया। एक बार हम इसे चला लेंगे, देखिए इस तरह से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे अभी बड़ियों को डाल के पकाना है। तो आधा ग्लास में पानी और डाल दूँगी, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और जो हमने बड़ियों को निकाला है उसे हल्का सा ठंडा होने देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। देखिए कितने अच्छे से ये हो गया, इसे फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है।
इसे डालने के बाद अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लगभग 2 बड़ा चम्मच कस्तूरी मेथी को हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लिया था। हाथ में इसे लेके इस तरह से मसल के इसके ऊपर डाल देंगे, इससे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और हमने नमक नहीं डाला है तो थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। नमक बहुत ही हिसाब से डालना है क्योंकि जो हमने बढ़िया इसमें बनाई है उसमें नमक ऑलरेडी डला हुआ है, तो बस हमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा नमक डालना है। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लो फ्लेम पे हम इसे 5 से 7 मिनट और पका लेंगे ताकि बढ़िया जो है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम यहाँ पे इस पे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे हम मिक्स करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो तो इस सब्ज़ी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। साबुत मूंग का बिल्कुल नया रेसिपी है। तो अब हम सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। इस सब्ज़ी को आप गर्मा गर्म चावल या फिर रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स मूंग की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं और भी इसी तरह की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।